हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ बताऊंगी कि जो हमारे मनी प्लांट हैं उनकी कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैं दो तरीके की यानी दो वैरायटी की कटिंग लगाने वाली हूँ। एक ये नेजोए पौधों से, एक जो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है वेरीकेटेड वाला, वो वाली वैरायटी की कटिंग लगाना बताऊँगी। दोस्तों गर्मियों के टाइम में जो हमारा मनी प्लांट होता है इनकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा सी अच्छी होती है, बट क्या होता है स्लो रहती है और गर्मी की वजह से ना पौधे इनके पत्ते जो होते हैं झुलस जाते हैं, तो जो ग्रोथ होती है इनकी दोस्तों बिल्कुल मतलब वो रुक सी जाती है। और वैसे जो हमारे ऑर्नामेंटल या इंडोर प्लांट होते हैं ग्रोथ होती रहती है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। फिलहाल अभी जून का मंथ चल रहा है, मानसून आ चुका है, बारिश कई जगहों पे हो रही है, कई जगहों पे नहीं हो रही है। तो जिनके यहाँ पे बारिश हो रही है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं हो रही है दोस्तों थोड़ा उनके लिए दुख भी होता है, कितनी गर्मी में कितनी सर्वाइव करना पड़ता है प्लांट को और ख़ुद को भी। तो फिलहाल मैं आज बताऊंगी कि अगर गर्मी हो रही है बारिश हो रही है तो इन हालात में आप मनी प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि आपका जो मनी प्लांट है अच्छे से कटिंग ग्रो कर जाए। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। यहाँ पे मैंने नेजोए पौधों का प्लांट लिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो फिलहाल देख सकते हैं गर्मी में कितनी बुरी हालत हुई है इस प्लांट की। तो यहाँ पे इनकी कटिंग में ले रही हूँ दोस्तों। वैसे सिंगल लीव से लगने वाले पौधे होते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मतलब लगती इनकी पत्तियाँ। और कटिंग दोस्तों बता दूँ, अगर आप लगा रहे हो तो इनकी कटिंग ऐसी जगह पे रखिएगा, बारिश हो रही है तो बारिश के खुले पानी में रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी हो रही तो आप इनको अंदर रखिएगा, घर के अंदर या छांव में पौधों के बीच में रखिए जहाँ पर इनको अच्छी से नमी मिल सके। अगर इनको टेम्परेचर हाई मिलेगा दोस्तों तो प्लांट आपका ख़राब या सूख भी सकता है। वैसे स्टेम तो नहीं सूखती, पत्तियाँ ज़रूर सूख जाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इनको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर छांव हो। और देखिए मैं यहाँ पर इनके स्टिक जो स्टैम्स होते हैं ना इनको भी लगा देती हूँ क्योंकि पत्तियाँ भी इनकी अच्छे से लग जाती हैं। तो और थोड़ी सी कटिंग बची है इनको भी मैं इस तरीके के डिस्पोजल की लास्ट में लगा दूँगी। आप जब भी दोस्तों कटिंग ग्रो करें तो एक से ज़्यादा लगाएं, तीन या चार कटिंग जरूर ग्रो करें। और इनकी सिंपल से आप मिट्टी में दबा दोगे आसानी से लग जाता है। सबसे अच्छा प्रोपगेशन अगर मैं बताऊँ तो पानी में अच्छे से हो जाता है दोस्तों। तो इनकी भी हम इस तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। ये पत्तियाँ दोस्तों इतनी अच्छी लगती है ना पूछो मत। इनको हैंगिंग बास्केट में या छोटे से पॉट में, छोटे से कंटेनर में, आप DIY कंटेनर में भी लगा देंगे ना बहुत अच्छे से चल जाता है। अभी बारिश का टाइम है, जून का टाइम है, इस टाइम में दोस्तों आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेचर पौधों यानी मनी प्लांट भी ग्रो की एक वैरायटी है दोस्तों। जैसे मनी प्लांट की बहुत सी वैरायटीज़ आती है, थोड़ा सा पानी जरूर दे दीजिएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे दोस्तों पानी में नमी थी इसकी वजह से पानी ज़्यादा नहीं दे रही, थोड़ा सा ज़रूर दीजिए। दूसरा पौधा दोस्तों हमारा ये है और ये भी अच्छे लगती है। ये नॉर्मली हर जगह पे मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं लगे हुए। और कुछ देखिए इस तरीके से इनको तो बहुत ही आसान होता है, पानी में भी लगा दोगे ना तब भी अच्छे से चल जाते हैं। और देखिए जगह जगह से इस तरीके से रूट, एरियल रूट्स जिसको बोलते निकले हुए हैं। पत्तियाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से बर्न हुई है गर्मी की वजह से। तो यहाँ से देखिए इतनी मतलब सॉफ्ट होती है इनके स्टेम कि आप सिर्फ ऐसे मोड़ दोगे आसानी से ये टूट जाती हैं, देख सकते हो। तो इस तरीके से कट करके आप, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जब भी आप कटिंग लगाएं पांच या छः कटिंग लगाएं। तो देखिए ये जो था दोस्तों मेरा जो नीचे गमला रखा हुआ था तो ये प्लांट हैंग कर रहे थे और उसी प्लांट में थोड़ा सा रूट से पकड़ लिया था। और देख सकते हैं जो गमले में रूट पकड़ा था उनकी पत्तियों की ग्रोथ अलग है, हैंग वाले की अलग है। तो यहाँ मैं 6-7 कटिंग कर लूँगी ताकि इनके भी अच्छे से मैं ढेरों सारी कटिंग लगा सकूँ। और ये भी सिंगल लीव से दोस्तों लग जाती हैं, जहाँ पर पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर रूट्स आए हुए होते हैं, तो लगाना तो आसान है ही है, देख सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों ये ग्रीनरी हमारे गार्डन में बिखेरता रहता है। यहाँ पर मिट्टी की दोस्तों बात करूँ, मैंने मिट्टी कौन सी ली है तो बता दूँ, एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, राइस हस्क जो चावल की भूसी आती है वो है, प्लस इसमें मैंने सैंड सॉइल लिया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट है। ये चार चीज़ें मिला के मैंने यहाँ पर मिट्टी पहले से बना के रखी होती दोस्तों, क्योंकि मैं
जब भी प्लांटिंग करना है, रिपोर्टिंग करना होता है तो भी मिट्टी में बार बार नहीं बनाती, एक साथ में बना के मैं रख लेती हूँ। इस तरीके से स्टेम मिट्टी के नीचे दबा दोगे तब भी ये आसानी से लग जाएगी, और आप इस तरीके से भी लगाओगे स्टेम को मिट्टी के अंदर डाल के भी तब भी ये लग जाएगी। सिंगल लीफ जो होती है वहाँ पर रूट्स आए हुए होते हैं, वहाँ भी लगाओगे ना दोस्तों तो आराम से लग जाते। देखिए इस तरीके से मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर पत्तियां भी नहीं हैं तब भी सिर्फ स्टेम लगा देंगे तब भी इसमें कुछ दिन बाद पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से इनको रख देना है, मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। जड़ें जो हैं मिट्टी के अंदर रहेंगी तो आसानी से निकल आएंगी। सिंगल लीफ से लगने वाले दोस्तों पौधे होते हैं तो इन्हें हम इस तरीके से इनको भी लगा देंगे। और ये दोस्तों अभी गर्मी का टाइम है तो अच्छे से चल जाएंगे, लेकिन धूप में बिल्कुल मत रखिएगा इनको, हो सके तो छांव में रखने की कोशिश करें। ये भी एक बचा हुआ है तो ये आप चाहे तो हटा भी सकती हैं और रख भी सकती हैं। तो मैं इनको इस खड़ा करके खड़ी हुई कटिंग इस तरीके से लगाऊंगी। यहाँ देखिए इस तरीके से, और इनकी जड़ें हैं दोस्तों जड़ें मिट्टी में दबा दें ताकि इनको पानी मिलेगी तो आसानी से लग जाएंगी। फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पे मनी प्लांट की कटिंग लग गई है, और इसमें हमें देना है दोस्तों पानी। तो पानी आप स्प्रे करके भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकती हैं, और देने का बहुत से तरीके हैं। और दोस्तों फ़िलहाल मैं इस प्लांट को इंडोर रखूँगी घर के अंदर, मैंने अभी तक कोई प्लांट इंडोर नहीं रखा था। पहले मैं रखती थी बट क्या हुआ ना, जब मेरा यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे मेरा गार्डन बना तो मैं सारे यहीं पे रख दी, बट आज मैंने कुछ पौधे अंदर रखे हुए हैं जो कि अपने रूम के पास ही मैंने रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी इनको भी वहीं रख दूँ। और मनी प्लांट दोस्तों एक एयर प्योरीफायर प्लांट आपको पता ही है, हवा को शुद्ध करने वाला, तो गर्मी में इस तरीके के पौधों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए हमारा खूबसूरत सा मनी प्लांट है, पत्तियों को उंगलियों से इस तरीके से साफ़ कर देंगे क्योंकि अभी धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है, हवा भी तेज़ चल रही है, तो इनके लिए अच्छा ही रहेगा।